हेलो एवरीवन, आप सबका इंग्लिश स्टूडियोज भाई बलबीर तिवारी में हार्दिक स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं फिर उसी कंटिन्यूएशन में जहाँ पे हमने छोड़ा था। और आज का जो वीडियो है वो है रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स। पिछली बार मैंने कहा था ये कंक्लूडिंग वीडियो है, लेकिन फिर मेरे को लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो रह जाएगा, इसलिए कुछ भी चुकना नहीं चाहिए हमारे स्टूडेंट से। इस टॉपिक को भी हम ले रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो रेड बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं इसको अपलोड करूं आप सबके पास वो घंटी बज जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। द टॉपिक ऑफ द टुडे इज रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या फर्क पड़ता है अगर हम आर्टिकल्स को रिपीट करें, आर्टिकल्स को ओमिट करें या आर्टिकल्स को सोच समझ कर यूज करें। इट विल रियली ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज एंड ऑल्सो विद द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। पहला एग्जाम्पल है ही हैज ब्लैक एंड वाइट डॉग। दूसरा एग्जाम्पल ही हैज ए वाइट एंड अ ब्लैक डॉग। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, चलिए स्टडी करते हैं इनको भी। हमने देखा कि उनके पास ब्लैक एंड वाइट डॉग है, यहाँ पे भी वाइट एंड ब्लैक, चलो वो इधर का उधर हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ही हैज, उसके पास है ए, एक क्या है उसके पास, एक ब्लैक एंड वाइट। क्या ब्लैक एंड वाइट डॉग। सो ब्लैक एंड वाइट ये दो एडजेक्टिव्स हैं जो इस नाउन डॉग को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा जो पहला एडजेक्टिव है उससे पहले हमारा आर्टिकल ए लगा हुआ और दूसरे आर्टिकल के सामने कुछ भी लगा हुआ नहीं है, बस हमने इस सेंटेंस को यही पे स्टार्ट किया। लेट अस सी द सेकंड सेंटेंस। ही हैज, अगेन वी हैव अ आर्टिकल, हमारे पास एक आर्टिकल यहाँ पे ए वाइट, एडजेक्टिव वाइट, ए ब्लैक, यहाँ पे भी एडजेक्टिव ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ए ब्लैक। तो डिफरेंस क्या आया व्यूअर्स कि यहाँ पे ए ब्लैक एंड वाइट और यहाँ पे ही हैज ए वाइट एंड ए ब्लैक डॉग। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पर भी दोनों एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पर पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पर हर एडजेक्टिव से पहले एक एक आर्टिकल लगा हुआ है। क्या फर्क होगा इन दोनों का। तो इस पहले का मतलब ये है कि उसके पास एक ही डॉग है जो पार्टली ब्लैक है और पार्टली वाइट है, आंशिक काला है आंशिक सफेद है, एक ही कुत्ता है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों एडजेक्टिव्स जिनके बीच में एंड है लेकिन आर्टिकल दोनों एडजेक्टिव से पहले है, इसका मतलब उनके पास टू डॉग्स हैं, दो डॉग्स हैं जिनमें से वन इज वाइट, एक कुत्ता वाइट है और जो अदर है दूसरा है वो क्या है, ब्लैक है। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या है कि ही हैज ओनली वन डॉग जो कि पार्टली या आंशिक, जिसको हम कहें कि आंशिक वो वाइट है और थोड़ा वो ब्लैक है। तो इसी बात को अगर हम लोग रूल पहले पढ़ते तो हम कंफ्यूज होते क्या एडजेक्टिव्स क्या ये। तो मैंने ये सोचा क्यों ना हम अपने बच्चों को पहले एग्जाम्पल से समझा दें, फिर उसी के नियम को देखिए आपको बहुत ही सरल लगेगा। अब रूल वन ए और इसी का रूल होगा वन बी। जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स एंड के द्वारा जुड़े हों जैसे यहाँ पे, तथा एक ही नाउन की विशेषता बता रहे हों जैसे यहाँ पे एक ही नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो केवल पहले एडजेक्टिव के साथ ही आर्टिकल लगेगा। वेरी राइट, सिर्फ ब्लैक के आगे लगे
लेकिन इसी का परंतु रूल है, मैं इसको कहती हूँ परंतु रूल, वो होगा रूल वन भी। इसमें क्या है, यदि दोनों दोनों एडजेक्टिव्स दो अलग अलग नाउन्स की विशेषता बता रहे हैं तो दोनों एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल्स लगेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो व्हाइट है ये पहले कुत्ते के बारे में बता रहा है और ब्लैक है दूसरे कुत्ते के बारे में बता रहा है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलेंगे अब इसके आगे, आगे के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस है, द सिंगर एंड डांसर हैज कम। द सिंगर एंड द डांसर हैव कम। यहाँ पे आपको बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, हैव हैज क्या है, आप सब जानते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। द सिंगर यहाँ पे नाउन आप पहचाने तो ये एक नाउन, और दूसरा नाउन पहचाने तो ये सिंगर कौन, जो सिंग गाय, वन हु सिंग्स, डांसर वन हु डांसेस, डांस करने वाले को डांसर कहते हैं, ये नाउन्स है। लेकिन यदि एक व्यक्ति के लिए ये दोनों बातें कही गई हो, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल क्या नजर आ रहा है हमें, द सिंगर और डांसर दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और हम कह रहे हैं कि वो आ चुके हैं। यहाँ पे हैज हमें ये बताता है कि ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर के, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट। सो अगला सेंटेंस देखें, आर्टिकल है द, और यहाँ पे हम देखते हैं एक आर्टिकल यहाँ पे भी है और ये हमारे नाउन्स है, और यहाँ पे जो हैज है ये हैव में चेंज हो चुका हैज शो करता है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर, और हैव शो कर रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, प्लूरल है। यहाँ पर सिंगर के सामने आर्टिकल है लेकिन डांसर के सामने आर्टिकल नहीं है। इट मीन्स कि वो इंसान जो सिंगर और डांसर दोनों है, इसका मतलब क्या हुआ, वो इंसान जो सिंगर और डांसर दोनों है वो आ चुका है। तो यहाँ पे इट इज वन पर्सन, ये जो दो नाउन्स हैं ये एक ही इंसान के लिए यूज किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आर्टिकल होगा वो पहले नाउन के सामने लगेगा। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, द सिंगर एंड द डांसर हैव कम। मतलब एक इंसान जो सिंगर है और दूसरा व्यक्ति जो डांसर है वो दोनों आ चुके हैं, दे हैव कम। तो यहाँ पर आर्टिकल अगर हम दो टू पर्सन्स के लिए इन दोनों को यूज करें, इन दोनों नाउन्स को, तो दोनों नाउन्स के आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल हमने समझ लिया, हम इसको रूल से भी समझे। रूल नंबर टू ए, जब दो या दो से अधिक नाउन्स, दो नाउन्स या दो से अधिक भी हो सकते हैं, एंड के द्वारा जुड़े हों, एंड के द्वारा जुड़ रहे हैं तो, और तथा एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, तो आर्टिकल पहले नाउन के पूर्व लगेगा। तो अगर आप देख लीजिएगा जब आर्टिकल से पहले नाउन के पहले लगा हुआ है तो ये एक ही व्यक्ति के गुण है कि वो डांसर या वो सिंगर भी है। इसी का परंतु क्या है, रूल टू भी, कि यदि दोनों नाउन्स दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए हो तो क्या होगा, तो हम प्रत्येक नाउन के सामने आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इस एग्जाम्पल से हमने स्कूल को भी समझा और मैं ये मानती कि आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग नेक्स्ट रूल्स को समझेंगे। हमने बच्चों आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे को अब ये समझ में आ रहा है कि कैसे बच्चों के लिए और इसको सिंपली करते हैं। अब इसका ये है कि पहला सेंटेंस आप देख रहे हो, ही इज अ बेटर गार्डनर देन फोटोग्राफर। यहाँ पे ही इज अ बेटर गार्डनर देन ए फोटोग्राफर। अब इन दो सेंटेंसेस को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, केवल एक जरा सा फर्क,
एक आर्टिकल जो कि रिपीट हुआ है, और आप अपन हैरान हो जाएंगे कि उस रिपीटेशन से अर्थ में कितना फर्क आया। यहाँ पर ये आर्टिकल है, यहाँ पे ये आर्टिकल है, इधर कोई आर्टिकल नहीं है। तो लेट अस सी ये शब्द क्या बताता है। बेटर देन, यहां पे भी हम देख रहे हैं बेटर देन, ये बता रहे हैं कि दोनों नाउन्स जो हैं ये तुलना में है। फोटोग्राफर कौन है, जो फोटोग्राफी करे। गार्डनर कौन है, जो गार्डनिंग करे, उसे गार्डनर कहते हैं। अतः ये नाउन्स हैं और ये नाउन्स तुलना में यूज हो रहे हैं। अगर दो नाउन्स तुलना में एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज अ बेटर गार्डनर देन फोटोग्राफर। अगर हम उससे फोटोग्राफी कराएं तो इतनी अच्छी फोटोग्राफी नहीं करेगा, लेकिन गार्डनिंग वो बेटर करेगा। तो उसके अंदर का जो गार्डनर है वो उसके अंदर के फोटोग्राफर से कई गुना बेहतर है। तो अगर हमने दो नाउन्स की तुलना करी, दो नाउन्स उसके गुण बता रहे हैं, और अगर ऐसी बात हो तो ए आर्टिकल पहले नाउन के सामने लगेगा और ये बताएगा कि एक ही इंसान के बारे में दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एक फोटोग्राफर के गुणों की अपेक्षा एक ही बेटर गार्डनर है। आगे चलें, ही इज अ बेटर गार्डनर देन ए फोटोग्राफर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्टिकल्स दोनों नाउन्स के सामने हैं। ये नाउन्स हैं हमारे, ये शब्द तुलनात्मक बता रहे हैं और ये हमारे आर्टिकल्स हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर दोनों के आगे आर्टिकल्स लगे हुए हैं तो ये हम दो लोगों के बात के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक अच्छा गार्डनर तो है, लेकिन फोटोग्राफर उतना अच्छा वो गार्डनिंग का काम नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ही इज अ बेटर गार्डनर देन ए फोटोग्राफर, यानी कि वो गार्डनिंग का काम बहुत अच्छा करेगा बनस्पत के एक फोटोग्राफर के। इसी के हम आगे रूल्स देख लेते हैं इसी को समझाते हुए। जब दो नाउन्स जो कि तुलना में एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए हों तो आर्टिकल केवल पहले के। अब ये मान लें कि अगर पहले आर्टिकल लगा हुआ है पहले नाउन के आगे, तो ये केवल एक ही इंसान की बात हो रही है। लेकिन इसी का हम देखते हैं थ्री भी, परंतु जब दो नाउन्स तुलना में प्रयुक्त किए हों और दोनों अलग अलग व्यक्तियों के लिए यूज हो, तो दोनों नाउन्स के सामने हम लोग आर्टिकल लगाएंगे। ये था वीडियो आज का रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स का। हमने देखा था कि रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स को करते ही मीनिंग्स में कितना चेंज आया, और ये जो बहुत ही माइन्यूट सा छोटा सा कन्फ्यूजन है लेकिन बहुत बड़े एरर्स ही करवा जाता है, या मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल वेरी मच।